नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। जिस जगह मैं खड़ा हूं, ये कैथल का लघु सचिवालय है और मेरे साथ में ही लगता पीआरओ ऑफिस है। और ये जनसंपर्क विभाग आपको बता रहा है कि सरकार की क्या क्या उपलब्धियां हैं कोविड के दौर में। ये सरकार की उपलब्धियां मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि एक बार दिखा दें। ये तमाम सरकार की उपलब्धियाँ इन इश्तिहारों के ज़रिए बताई जा रही हैं। और इसी के साथ साथ एक और उपलब्धि मैं कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि दिखा सके तो, ये उपलब्धि है, ये कलायत का सामुदायिक केंद्र है जो इश्तिहारों में तो बन चुका है लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और है। मैं कैमरा सहयोगी से कहूँगा एक बार दिखा दे, 20 बिस्तरीय उपमंडल नागरिक अस्पताल कलायत। बिल्कुल बिल्कुल, माफ़ कीजिएगा, 50 बिस्तरीय उपमंडल नागरिक अस्पताल कलायत की ये तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं। ये बिल्डिंग बनकर तैयार है लेकिन सिर्फ कागज़ों में तैयार है और वास्तव में जो धरातल पर इसकी सच्चाई है वो कुछ और है। इसके अंदर सिर्फ वैक्सीनेशन का ही कार्यक्रम होता है लेकिन जो जानकारी यहाँ पर दी गई है आप देख सकते हैं कि द एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 50 बेड हॉस्पिटल एट कलायत इज़ रुपीज़ 1042.86 लाख। तो कागज़ों में तो बनकर तैयार है और एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल भी इसको मिल चुका है। और ये जो तमाम जो सुविधाएं हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर पर बता रखा है कि इंक्वायरी रूम है, एक्सरे रूम, यूसीजी रूम, प्लास्टर रूम, ईसीजी रूम, तो सरकार इस चीज़ को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिखा रही है। फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर जो जो इक्वाइपमेंट है, जो जो चीज़ें हैं, जो 50 बेड्स हैं, जो सुविधाएं हैं, ये दरअसल सिर्फ कागज़ों में हैं लेकिन जो सच्चाई है वास्तव में वो हमने कुछ दिन पहले आपको वीडियो में दिखाया था। तो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इश्तिहारों पर तो खर्च हो जाता है लेकिन वो धरातल पर वो काम हुए हैं या नहीं उसके लिए एक बारीक नज़र चाहिए। तो आपने देख लिया होगा पूरी सच्चाई और तस्वीरें भी आपको दिखाई कि क्या क्या काम वहाँ पे हैं, कितनी कितनी सुविधाएं हैं, जो इश्तिहार बता रहा है इसकी कितनी सच्चाई है। तो आपने जाना कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ, मैं अजय, बैग न्यूज़, कैथल।